नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा सिमिलैरिटी ऑफ सॉर्ट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स। अगर हमारे पास दो तीन चार पांच जितने भी सॉर्ट्स दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सॉर्ट एक से दूसरा बड़ा है या फिर कौन सा सॉर्ट दूसरे सॉर्ट से छोटा है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तीन बहुत अच्छे तरीके मैं आपको बताता हूँ। शुरू से एंड तक देखो, सारा का सारा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दो सॉर्ट ले रखे हैं। देखो, सबसे पहला तरीका स्क्वायर एवरीथिंग, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर एवरीथिंग इनसाइड। ये कोई ऐसा इसका स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैंने बस ऐसे इसको दे दिया एक नाम, ठीक है। देखो, स्क्वायर एवरीथिंग में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास सॉर्ट्स है सबका स्क्वायर करना है। अब मैं स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये नाइन्थ का स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो हमारे पास सॉर्ट्स है वो सारे क्वाड्रेटिक सॉर्ट्स है, इसलिए मैं स्क्वायर एवरीथिंग बोल रहा हूँ। अगर हमारे जो सॉर्ट्स है उसमें मान लो जैसे ऐसे क्यूब रूट ऑफ 10 ऐसे वगैरह होंगे, तो क्यूब रूट अगर होगा तो हमें उसको क्यूब करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई सॉर्ट है 10 और ये फोर्थ रूट है, तो हमें उसको फोर्थ पावर करनी पड़ेगी। इसकी स्क्वायर करने से भी काम नहीं चलेगा, क्यूब करने से भी काम नहीं चलेगा, इसका हमें फोर्थ पावर करना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर बाहर आएगा रूट के, राइट। इसलिए मैं स्क्वेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल सारे स्क्वेयर रूट वाले एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका यूज करके देखते हैं कि कैसे कंपेयर करना है सॉर्ट्स को। देखो, 3√5 है और √80 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वेयर करते हैं, ठीक है। 3√5 का स्क्वेयर क्या आएगा, 3√5 होल स्क्वेयर, और यहाँ पर आएगा √80 का होल स्क्वेयर। अब 3√5 का स्क्वेयर कितना आता है, 3 का स्क्वेयर आएगा 9, रूट फाइव का स्क्वायर आता है 5, इज इक्वल टू 45 हो गया ये वाला नंबर। अंडर रूट 80 का अगर हम स्क्वायर करें तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 80। अब हमने जब पहले सर्ट का स्क्वायर किया आया 45, जब दूसरे सर्ट का स्क्वायर किया आया 80, जो 80 है वो 45 से बड़ा है, राइट। इसका मतलब जो हमारा सर्ट है उसमें अंडर रूट 85 अंडर रूट 80 जो है वो 3√5 से बड़ा है, ये हमारा हो गया फाइनल रिलेशन। सबको स्क्वायर करो, एंड में जो सर्ट का स्क्वायर बड़ा होगा वही सर्ट बड़ा होगा, देयरफॉर अंडर रूट 80 इज बिगर देन 3√5। अब दूसरा तरीका देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास दो सर्ट्स है, पहला है 3√5 और दूसरा है अंडर रूट 80। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, मतलब जो रूट के नीचे रूट के अंदर जो नंबर है उसको हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तब तक जब तक वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब 5 को और हम फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, तो 3√5 को जैसे के तैसे रख देते हैं, 3√5। लेकिन 80 को हम अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम 80 को क्या करते हैं, 80 को 16 × 5 लिख देते हैं। 16 × 5 = 80। हम इसको 4 × 10 भी लिख सकते हैं, 2 × 40 भी लिख सकते हैं, फिर वो आगे सिंप्लीफाई होके यहीं तक आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर 16 अंडर रूट 5 हो गया। अब यहाँ पर जो 16 है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। अब मैं इसको 16 को रूट के बाहर लेके जाता हूँ, 3√5 को हमने जैसे के तैसे रख दिया, 16 को रूट के बाहर लेके आ गए, वो हो गया 4 और अंडर रूट 5। अब हमने जो देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी रूट फाइव है, ये भी रूट फाइव है, मतलब बेसिकली क्या, इस नंबर को रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे, इस नंबर से रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे। अगर हम रूट फाइव को इग्नोर भी कर दें और देखें कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो सर्ट बड़ा हो जाता है। 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 4 को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनता है वो बड़ा है 3 को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद बनने वाला नंबर, समझ रहे हो। बेसिकली मान लो हमारे पास नंबर है ए और बी, ठीक है। अब अगर बी बड़ा है ए से और मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं सी से, तो ए सी और बी सी हो जाएगा, तो ये ऑफ कोर्स बड़ा ही हो जाएगा ना। यहां पर सी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, यहां पर हमें पता है कि दोनों जो हमारे सर्ड है वो √5 √5 दोनों पॉजिटिव है, इसलिए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब बेसिकली 4√5 इज ग्रेटर देन 3√5। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है और देखना है अगर हमारा सर्ड का ऑर्डर और जो रेडिकेंट है वो सेम है, मतलब सिमिलर सर्ड है। अगर सिमिलर सर्ड है तो सर्ड के बाहर का जो नंबर है, यहाँ पर 4 है, ये बड़ा है 3 से, मतलब ये जो पूरा सर्ड है ये इस पूरे सर्ड से बड़ा है।
जो तीसरा तरीका हमारा है वो एवरीथिंग इनसाइड, मतलब सर्ड के या फिर जो हमारा रेडिकल साइन है उसके अंदर सबको लेके जाएंगे हम। कैसे? देखो यहां पर पहला सर्ड है हमारा 3√5 और दूसरा सर्ड है √80। यहां पर तो जो भी कुछ है सब रेडिकल साइन के अंदर ही है, ठीक है? आपको पता है ना ए एन, अगर हम यहां पर ऐसे एन लिखे तो यहां पर जो ये साइन है हमारा ये है रेडिकल साइन, ठीक है? तो यहां पर जो भी है रेडिकल साइन के अंदर ही है, इसको ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। रेडिकल साइन के बाहर यहां पर थ्री है, इसको अंदर लेके जाते हैं। स्क्वायर रूट के बाहर थ्री है, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 5 हो जाएगा √s, ठीक है? अब ये हो जाएगा √45 और ये जैसे के तैसे रहेगा √80 रहेगा। तो भैया मुझे बताओ, एक √45 है, एक √80 है, तो बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली √80 बड़ा होगा। ये कोई बताने की चीज है क्या? पहले दूसरे का बच्चा बता देगा कि √80 बड़ा होता है। सिंपल चीज, या तो फिर ऐसे कर लो या फिर दोनों जगह स्क्वेयर कर लो, ये 45 आएगा, ये 80 आएगा, सेम ही चीज होगी। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कि √80 बड़ा है √45 से, देयरफॉर √80 इज बिगर देन 3√5। इस तरीके से हम सर्ड्स को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर ये तो हो गए सारे सर्ड्स के कंपैरिजन तीनों अलग अलग फॉर्म में जो मैंने आपको यहां पर करके दिखाया। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मुझे बताना कि 3√2 मतलब और √50, इन दो में से कौन सा सर्ड बड़ा है ये आपको बता देना। 3√2 ये बड़ा है या फिर √50 ये बड़ा है, ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? जिसका आंसर ये सही आएगा उसी स्टूडेंट को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत है या फिर इसका आंसर आपका गलत आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ अर्जेंट पूछना है तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं और रेगुलरली आंसर्स चाहिए होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते जाओ, रेगुलर आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो।